नमस्ते छात्रों, मैं जेवीन कविता शर्मा, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी। छात्रों, आज हम वेद के सुभाषित के 10वें अध्याय के बारे में अध्ययन करेंगे। अजीर्ण, भेषजम, वारी, जीर्णे, वारी, पल, वल, व्रतम, भोजने, चामृतम, वारी, भोजनांते, विष प्रदम। जलपान, अजीर्ण में भोजन न करके केवल पानी का सेवन औषधि का काम करता है। भोजन पच जाने पर अर्थात भोजन के 3 घंटे के उपरांत सेवन किया हुआ जल पाचन के बाधक उत्पन्न करने के कारण बल प्रदायक होता है। भोजन के बीच बीच में घुट घुट सेवन किया हुआ जल रुचि उत्पन्न करने के कारण अमृत के समान होता है और भोजन करके तुरंत सेवन किया हुआ जल पाचक रसों को पतला करके भोजन को जल्दी महास्त्रोतों में नीचे ले जाने के कारण विषम अहितकर होता है। अत्यंबुपाना विपचयनम निरंबुपाना च से एव दोष तस्मा नरो विहि विवर्धनाय मोहो मोहो वारी पीवेद भूरी। अधिक पानी पीने से अन्न का पाचन ठीक नहीं होता और पानी न पीने से भी वही दोष होता है। इसलिए जठराग्नि वर्धनाय मनुष्य बराबर थोड़ा थोड़ा पानी पिया करे। अपाम संस्पर्शनात् स्नानात् फानात् दर्शनतो अपि वा मनुष्य सिद्धि मायान्ति ब्राह्मण्यन्त्र शालित। बहुत क्या करे, आवश्यकता अनुसार शीतल या उष्ण जल से संस्पर्शन से स्नान से पीने से उसके दर्शन से भी अंतर बाह्य शुद्ध हुए मनुष्य अपने स्वास्थ्य रक्षण रोग हरण आदि कार्यों में सिद्धि को प्राप्त होते हैं। धन्यवाद।